गिरिडीह जिले में बिना घूस का रजिस्टर टू और खतियान का नकल देने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक गिरिडीह में विगत 8 मार्च से चले आ रहे अनिश्चितकालीन धरना के 36वें दिन सभी मौजा कमेटी के अध्यक्षों की एक बैठक टाटो कियारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष रोहित यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक का मुद्दा पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाए अथवा स्थगित किया जाए था। बैठक में सभी मौजा कमेटी के लोगों ने एक मत से यह राय दिया कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रखा जाए। मौजा कमेटी के अध्यक्षों के बाद मौजा कमेटी के अध्यक्ष एवं सामान्य किसानों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से किसानों ने यह निर्णय लिया कि आगामी पंचायत चुनाव में किसान उसी उम्मीदवार को ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य को वोट देगा जो उम्मीदवार कम से कम 24 घंटा किसान मंच के अनिश्चितकालीन धरना में रहकर किसानों के दुख दर्द को समझेगा। उक्त निर्णय के उपरांत हिंदू धर्म मानने वाले किसानों ने ईश्वर का नाम लेकर, इस्लाम धर्म मानने वाले किसानों ने अल्लाह का नाम लेकर, शरणा धर्म मानने वाले किसानों ने चांदों का नाम लेकर और ईसाई धर्म मानने वाले किसानों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर यह शपथ लिया कि वे पंचायत चुनाव में उसी उम्मीदवार को वोट देंगे तथा दिलवाएंगे जो उम्मीदवार किसान मंच के धरना में कम से कम 24 घंटे तक रहकर किसानों के दुख दर्द को समझने का प्रयास किया हो। किसान मंच के सदस्यों ने भी अभी शपथ लिया कि पंचायत चुनाव होने तक वे किसानों को शपथ देने व दिलवाने के काम में ही लगे रहेंगे। शपथ ग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद किसान धरना स्थल अम्बेडकर चौक से टावर चौक तक जिला प्रशासन के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन हाय हाय बगैर घुस का रजिस्टर टू का नकल लेकर रहेंगे, किसानों की नेत्री कैसी हो, माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जैसी हो आदि नारे लगाते रहे, वापस धरने में बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा घूस लेने का लालच नहीं छोड़ पाने की वजह से गिरिडीह जिले में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो गया है। एक और जहां माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बिना घूस का रजिस्टर टू और खतियान का नकल किसानों को दिलवाने का निर्देश लगातार उपायुक्त गिरिडीह को दे रही है, वहीं दूसरी ओर उपायुक्त गिरिडीह माननीय मंत्री के निर्देशों का जरा सा भी तरजीह नहीं दे रहे, इसलिए आंदोलन को और धारदार बनाना है ताकि माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्यान किसानों के समस्या की ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त किया जा सके। किसान का 36वां अनिश्चितकालीन धरना दिन है और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि आज जो 36 दिन है ये 36 का आंकड़ा भी आज आप लोग के साथ बन गया और जब तक रहेगा जब तक आप रजिस्टर टू और खतियान का बिना घूस दिए हुए नहीं दीजिए और ये 36 का आंकड़ा पूरा याद रखिएगा, शासन और प्रशासन दोनों। आज मंगलवार दिन 36वां दिन अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठ चुके सभी मौजा कमेटी अध्यक्ष और तय किए हैं हम लोग बोल ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे और जितना भी हम लोग कमेटी जो है आगे रखेंगे जब तक रजिस्टर टू नौकर खतियान बिना घुस कर नहीं मिलेगा तब तो आंदोलन जारी रखेंगे। और जो हम लोग इलेक्शन अभी पहुंच चुका है हम लोग जब तक 24 घंटा यहाँ धरना नहीं बैठेगा तब तक उन लोगों को वोट नहीं देंगे। किसान मंच के धरना का 36वां दिन है, प्रशासन और शासन का कान और नाक मुंह सब बंद है। आज पूरे मौजा कमेटी के अध्यक्ष का जुटान हुआ और सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि धरना को आगे बढ़ाएंगे ही और धारदार भी बनाएंगे। उसके साथ साथ कमेटी के अध्यक्ष लोग ये भी तय किए हैं कि इसके साथ हम लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे PIL के माध्यम से और चारों बगल से प्रशासन और शासन को घेरने का काम करेंगे और नतमस्तक करा कर ही दम लेंगे हम लोग। आज किसान मंच का 36वां दिन हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने कल्हे निर्णय कर लिए थे कि मौजा कमेटी जो आगे का रणनीति तैयार होगा वो मौजा कमेटी करेगा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग का धरना निरंतर जारी रहेगा और आने वाली पंचायत चुनाव में जो किसानों का साथ देगा हम लोग उसी को वोट देंगे और हम लोग यह शपथ भी लिए हैं कि जो यहाँ 24 घंटा में धरना दिया हो उसी प्रत्याशी को चुनेंगे और नहीं तो किसी को नहीं देंगे। आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार है। कल किसान मंच ने सभी ने यह निर्णय लिया था कि सभी मौजा कमेटी अध्यक्षों का एक मीटिंग होनी चाहिए और आगे का रणनीति होना चाहिए कि यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा या फिर ब्रेक लेगा। तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जो अम्बेडकर चौक गिरिडीह में इसके सामने दिए हुए हैं, यहाँ सभी मौजा कमेटी के अध्यक्ष लोग पहुंचे
और यह निर्णय लिए कि यह अनिश्चितकालीन धरना जितना लंबा हो चले हम लोग अपना साथ देने के लिए तैयार हैं और करेंगे। यही निर्णय हम लोग लिए और आगे जो पंचायत चुनाव होगा उसमें उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जिताएंगे जो हम लोग के इस अनिश्चितकालीन धरना में साथ देंगे 24 घंटा रहकर। आज किसान मंच के सभी मौजा कमेटी के अध्यक्षों का बैठक हुआ और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन जो है धरना का जो कार्यक्रम है वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, अभी धरना स्थगित नहीं होगा। आज सारे किसानों ने यह भी शपथ लिया कि आगामी पंचायत चुनाव में किसान उसी को वोट देंगे जो कम से कम जो प्रत्याशी कम से कम 24 घंटा इस धरना में आके भाग लेगा। जो प्रत्याशी धरना में आके भाग नहीं लेगा, किसानों ने आज अपने भगवान ईश्वर अल्लाह का शपथ ले लिया है कि वो किसी भी कीमत पर उस प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। साथ ही किसानों ने यह भी शपथ लिया कि अब ये गांव-गांव किसान जाएंगे और वहां गांव-गांव में किसानों को शपथ दिलवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को शपथ दिलवाएंगे, अपने परिचितों को शपथ दिलवाएंगे कि जो उम्मीदवार अनिश्चितकालीन धरना में 24 घंटा का समय नहीं देता है उसको किसी भी कीमत पे वोट नहीं देना है और जो उम्मीदवार देता है उसको हर हाल में वोट देना है।